एक कहावत आपने सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कुछ इसी तरह का हाल पाकिस्तान का है, क्योंकि भारत की राजनीति में पाकिस्तान दीवाना हुआ जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री ने यह दावा कर दिया है कि भारत के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि दरअसल पाकिस्तान कांग्रेस का समर्थन कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि भारत की राजनीति में पाकिस्तान इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? क्या है सोशल मीडिया पर भारत की राजनीति में पाकिस्तान की घुसपैठ का वायरल सच? सोशल मीडिया पर कमेंट किए वो तस्वीरें हैं जिनके जरिए दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भारत के प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहता है। सोशल मीडिया पर इसे पाकिस्तान और कांग्रेस की साठ गांठ बताई जा रही है। लोगों ने फेसबुक पर लिखा, पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने, चीन के लोग कह रहे हैं कांग्रेस सत्ता में आए, यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो पाकिस्तान को कश्मीर और चीन को अरुणाचल सौंप देगी। दावा हो रहा है कि पाकिस्तान इसलिए कांग्रेस का साथ दे रहा ताकि उसे कश्मीर मिल जाए। सोशल मीडिया के एक और कमेंट पर गौर कीजिए, पाकिस्तान कहता है मोदी हटाओ, अब पाकिस्तान भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के आधारहीन आरोपों का समर्थन करता है। क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय महागठबंधन बना रही है? लोग सवाल कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान को साथ लाकर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रही है? इन सवालों और दावों की वजह बना है एक ट्वीट। ट्वीट किया है पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने। 22 सितंबर को रहमान मलिक ने राहुल गांधी का एक वीडियो ट्वीट किया। वीडियो के साथ लिखा, मेरे प्यारे आलोचकों, आपको राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी चाहिए, क्या आप इनकी भी आलोचना करेंगे? ये आपके नेता हैं और ये भी वही कह रहे हैं जो मैंने कहा। अगर आप में थोड़ी शिष्टता है तो इसे देखने के बाद मुझसे माफी मांगिए। एक नहीं, इसके बाद रहमान मलिक के वेरिफाइड ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए। 23 सितंबर 2018 को 12:23 पर रहमान ने ट्वीट किया, राहुल गांधी आपके अगले प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझदारी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी राहुल से डरते हैं। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री अपने ट्वीट से मानो ये कह रहे हो कि पाकिस्तान राहुल के समर्थन में है। उन्होंने ये भी कह डाला कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डरते हैं। रहमान मलिक यही नहीं रुकते, उन्होंने भारत की एक वेबसाइट के वीडियो का भी इस्तेमाल किया जिसमें राहुल गांधी राफेल डील के बारे में बोल रहे हैं। इस वीडियो के साथ रहमान मलिक ने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली वार्ता को रद्द किए जाने का जिक्र किया, नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया और राहुल को इज्जत देने की बात कही। पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं कि वो हिंदुस्तान की सरकार या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में एक भी अपशब्द बोले, ये हमें कभी स्वीकार नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान के किसी मंत्री के इतने ट्वीट, वो भी भारत की आंतरिक राजनीति को लेकर, ये ट्वीट लोगों के मन में सवाल खड़े करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राहुल के समर्थन में इन्हें रीट्वीट कर रहे हैं। रहमान मलिक का ये ट्वीट कि राहुल गांधी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी से डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत कुछ बयां करता है। एक और ट्वीट रहमान मलिक का है और रहमान मलिक पूर्व गृह मंत्री है पाकिस्तान के। राहुल इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट पीएम एंड वॉच हिज एक्सलेंट वीडियो आई हैव जस्ट पोस्टेड फॉर ऑल ऑफ यू। राहुल के लिए वहां से भी, राहुल गांधी के लिए पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान के अनेक मंत्री कैंपेनिंग कर रहे हैं। सवाल यही, भारत की राजनीति में पाकिस्तान को इतनी दिलचस्पी क्यों और कैसे आई? पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी की इज्जत करो क्योंकि वो भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? पाकिस्तान नरेंद्र मोदी पर हमले कर रहा है, वहीं राहुल का बचाव क्यों कर रहा है? इन सवालों के जवाब आपको वायरल सच की पड़ताल से मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ सच और झूठ से ज्यादा आपके लिए इसके पीछे का संदेश जानना जरूरी है। और वायरल संदेश ये है कि पाकिस्तान राहुल गांधी के नाम का इस्तेमाल कर भारत की राजनीति में दखलंदाजी कर रहा है, भारत के राजनीतिक मतभेदों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाकर भारत के लोगों में फूट डालना चाहता है पाकिस्तान। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।